गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिरसिल हिंदी हाई स्कूल के होम लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं वंजारा आशा, आज हम कक्षा 9 काव्य सुमित्रानंद पंत ग्राम श्री पढ़ेंगे। कवि का परिचय। सुमित्रानंद पंत उत्तरचंद के अमोड़ा जिले के कोमासिन गांव में सन 1900 में हुआ। उनकी शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभ से सुमित्रानंद पंत का काव्य क्षितिज 1916 में से 1970 तक फैला। सन 1977 में उनका देहांत हो गया। वे अपनी जीवन दृष्टि के विभिन्न चरणों में छायावादी, प्रगतिवादी एवं अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्य, पल्लव, युगांत, श्रवण, किरण, श्रवण धुली, कल्ला और बुड्ढा चांद, लखातन, चिमंडरा आदि उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। उन्होंने साहित्यिक अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं सोशियट लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पंत की कविताओं में प्राकृतिक और मनुष्य के अंतर्गत संबंधों की पहचान की गई है। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को भी एक नवीन अभिव्यंजना पद्धति एवं काव्य भाषा से समृद्ध किया है। भावों की अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों के चयन के कारण उन्होंने शब्द शिल्प कवि कहा जाता है। ग्राम्य श्री कविता में पंत ने गांव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का मनोहरिक वर्णन किया है। खेतों में दूर तक फैली लहराती फसलें, फल फूलों से लदी पेड़ों की डालियां और गंगा सुंदर रेती कवि की रोमांचक करती हैं और रोमांच की अभिव्यक्ति यह कविता में देखने मिलती है। अब हम काव्य पठन देखेंगे। फैली खेतों में दूर तलक मलमल की कोमल हरियाली, लिपटी जैसे रवि की किरणें, चांदी सी उजली जाली, तिनको हरे हरे तन पर हिल रहती रुदी है रखा जलक, श्यामल भूल तल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल फलक। प्रस्तुत पंक्ति कवि सुमित्रानंद पंत जी के द्वारा रचित कविता ग्राम श्री में से ली गई है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि गांव की मनोहर प्राकृतिक सुंदरता का चित्रण करते हुए कह रहे हैं कि गांव के खेतों में चारों ओर मखमल रूपी हरियाली फैली हुई है। जब उन्हें उन पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तब वह सारा खेत और आसपास के वातावरण चमक उठता है। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि चांदनी के कोई चमकदार जाली बीच गई हो। जो हरे हरे फसलें हैं उनके नाजुक तना पर भी सूर्य की किरण का प्रभाव पड़ता है तो उसके अंदर दौड़ हिलता हुआ हरे रंग का रक्त स्तंभ दिखाई देता है। जब हमारी दृष्टि दूर तक आसमान पर पड़ती है तो हमें ऐसा आभास होता है मानो नीला आकाश चारों ओर से झुका हुआ है और हमारी खेतों की हरियाली का रक्षक बना हुआ है। रोमांचक लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अहत सनी की सोने की कनिकिया है शोभाशाली, उड़ती भीनी तेकियन गंध फूलों सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झाक रही नीलम की कली तीसी लीली। यह सनी का अर्थ एक पौधा जिसकी छाल के रेशों से रस्सी बनाई जाती है और किनिक का अर्थ है कंधनी। प्रस्तुत पंक्ति में कवि सुमित्रानंद पंत जी के द्वारा रचित कविता ग्राम श्री में से ली गई है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि जो और गेहूं में बालियां आ जाने से धरती खुशबू से रोमांचक लग रही है। ये बालियां धरती के दंपतियों की तरह लग रही हैं। उसे रोमांचक की शोभा अहर सैन वसुधा की करदनी बनकर बढ़ा रही हैं। सरसों के पीले फूल अपना तेलीय सुगंध बिखेर रहे हैं, साथ में तीसी के नीले फूल मानो नीलम के पत्थर से नगीने की तरह दिख रहे हैं। रंग रंग के फूलों में रिमझिम हंस रही सखिया मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी चिलमिया चिपाई बीच लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितलियां रंग रंग के फूलों पर सुंदर फूल फिरते हैं फूल श्रेय उड़े उड़े बुत्तों के पर बुत्त। बुत्त का अर्थ है ढल। मटर के पौधों ऐसे लग रहे हैं जैसे सखियां मलमल की पेटियों में से बीज छिपाकर खड़ी होकर हंस रही हैं। रंग बिरंगी तितलियां रंगीन फूलों पर उड़ रही हैं और हवा के झोंके से जब फूल एक डाली से दूसरी डाली के छू लेते हैं तो लगता है वे खुशियों से फूले नहीं समा रही हैं। सचमुच तौर पर देखा जाए तो रंगों की चटा बिखरी हुई है।
अब रजत सण मंजीरों से लद गई आम रूई की डाली, जेर रे ठाक पीपल के दल हो उठी कोकिला मतवाली। मैं कहल मुकिट जामुन जंगल में जरेबी झूली, फूले आड़ू लींबू डाड़िम आलू गोभी बैंगन मूली। मुकिल कार्थ है अध अध खिला आम के पेड़ की डाली, चांदी और सोने की मजीरों से लद गई हैं आम तौर पर की खुशबू आम पर नशे जैसा असर कर सकती है। पीपल के पत्ते झड़ने शुरू हो गए हैं और कोयल बसंत ऋतु की मदकता में मतवाली हो गई हैं। कटहल के पेड़ों से और अध खिले जामुन की फूलों से मोहल्लों में महकने लगते हैं। जरबेरी की झाड़ियाँ भी फूलों के वजन से लदकने झूलने लगती है, साथ में अन्य पौधों के फूल पूरी तस्वीर को मूर्त रूप से दे रहे हैं। पीले मीठे अमरुद में अब लाल लाल चिड़िया पड़ी, थक गए सुनहरे मधुर बेर में अवली से तरु की डाली जड़ी, लहर के पालक महक धनिया तोकी लोकी सेम फिली फली मकफली टमाटर हुए लाल मिर्चा की बड़ी हरी थैली। यह अवली का अर्थ है छोटा आंवला और अमरुद इतने पक गए हैं कि उन पर लाल लाल निशान पड़ गए हैं, बेर पक गए हैं और आंवले से पेड़ की डाल ऐसे लगती हैं जैसे उन पर सितारे चढ़ दिए गए हों। लौकी और सेमपुर जमीन पर उधर उधर फैल गई हैं, टमाटर मलमल की तरह लाल हो गया है, मिर्ची के पौधे किसी हरी भरी थैली में तैरने लगे रहे हैं। बच्चों ये काव्य हम यहाँ पे अधूरा रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका काव्य आगे का देखेंगे। थैंक यू।